हेलो फ्रेंड, हेवी वर्क वाली सूट की कटिंग कैसे करें? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेवी वर्क वाली सूट कटिंग है नेक में और बॉर्डर में भी यहाँ पे बॉर्डर कढ़ाई किया हुआ है। तो लंबी सूट है, कैसे कटिंग करें? तो ये कमेंट आ रहा था कि आप हमें कढ़ाई वाली सूट की कटिंग सिखाइए। तो मैं हेवी सूट की कढ़ाई वाली आज कटिंग सिखाने वाली हूँ। तो ये फ्रंट में देखिए नेक में कितनी हेवी काम किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से आपको खोल लेना है, खोल के बैक पल्ला अलग करना है और फ्रंट पल्ला को इस तरह से कढ़ाई के सेंटर मिलाते हुए नेक की एरिया और शोल्डर के एरिया को मिलाते हुए आपको इस तरह से पहले खोल लेना है, खोल के हाफ में बिछा लेना है फ्रेंड। तो इस तरह से आप बिछा के आप नेक की सेंटर मिलाते हुए आप रख लीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं देखिए नेक की सेंटर दोनों साइड सेम मिला के रख ली हूँ। तो इस तरह से आपको भी रख लेना है। तो जब भी कढ़ाई वाली सूट आपको मिले तो इस तरह से ही आप मिला के रख लीजिएगा। उसके बाद में आपकी जो मेजरमेंट होगी उसी हिसाब से कटिंग कीजिएगा। तो मैं यहाँ शोल्डर की हाफ ले रही हूँ, यानी 5.5 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से ले लेना है 5.5 इंच। उसके बाद में आपको निशान लगा लेना है फ्रेंड। तो ये शोल्डर के निशान के बाद में यहाँ आर्म होल के निशान सेम 5.5 इंच पे आपको लगा लेना है। तो आपको बता दूँ, मुझे यह चेस्ट मुझे रेडी करना है 37 इंच। तो उसी हिसाब से मैं आर्म होल की लेंथ ली हूँ और यह शोल्डर में 1/2 इंच दबाव दे दी हूँ कि जैसे शोल्डर गिरे ना। उसके बाद में चेस्ट का 4 भाग 9.5 इंच ले लूँगी यहाँ पे। इस तरह से आपको लेना है चेस्ट का 9.5 इंच भाग। अब अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद ऊपर से लेकर नीचे यहाँ पे मैं निशान 14 इंच पे लगाऊंगी कमर के लिए और 20 इंच पे मैं हिप के निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से कमर के लिए 8.5 इंच पे कमर के निशान दे रही हूँ, कमर की 4 भाग दे रही हूँ। तो 35 इंच का 8.5 इंच 4 भाग होता है। तो इस तरह से कमर के निशान आप लगा लीजिएगा फ्रेंड। तो ये कमर के निशान इस तरह से आपको लगा लेना है। तो उसके बाद में हिप की 4 भाग लेंगे तो 40 का 4 भाग आता है यहाँ पे 10। तो 10 मैं लगा रही हूँ हिप की। तो इस तरह से आपको पहले नाप लगा लेना है। तो जो भी आपका मेजरमेंट है उसका 4 भाग लगाना है। उसके बाद एक दूसरे में इस तरह से निशान को मिला लेना है फ्रेंड। उसके बाद सामने से 1.5 इंच आप मार्जिन रख लीजिएगा फ्रेंड। फीता पकड़ के इस तरह से आप रख सकते हैं 1.5 से 2 इंच। तो यहाँ मैं आगे से 1.5 से 2 इंच मैं मार्जिन ले ली हूँ और यहाँ भी मार्क को मिला दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मिला लेना है एक दूसरे में। तो ये हो गई सूट की माप। अब यहाँ पे आगे की तरफ में मार्क लगाएंगे घेरे की तरफ, यानी जितना आपको लंबाई है वहाँ तक आपको लगा लेना है सीधा। तो यहाँ पे 2 निशान मैं दे रही हूँ, एक फिटिंग का एक मार्जिन का। 2 निशान यहाँ पे आपको पहले लगा लेना है फ्रेंड इस तरह से। उसके बाद में सूट की जितनी भी लेंथ है आपको चाहिए वहाँ से शोल्डर से ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए मुझे आ रहा है 42 इंच, मुझे यहाँ रखना है 39 इंच। तो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर को मैं खोल लूँगी, खोल के फिर से मैं थोड़ा कट करके निकाल लूँगी। तो उससे मुझे जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से फोल्ड करके, यानी बॉर्डर को फोल्ड करके यहाँ पे रख दी हूँ और फीता लगा के मैं देख लेती हूँ 39 इंच आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा 39 इंच आ रहा है। तो ठीक 39 इंच पे यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके मैं नीचे से कट करके साइड से भी कट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं बॉर्डर के नीचे से कट कर लिए थोड़ा सा। अब यहाँ से मुझे कट करके कंप्लीट करना होगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप अगर वर्क वाली सूट की कटिंग करते हैं तो आपका परफेक्ट हाइट भी आ जाएगा और बॉडी का मेजरमेंट भी आ जाएगा। तो यहाँ तक रुक जाते हैं और यह आर्म होल की गोलाई हम नहीं दिए थे आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये फ्रंट पल्ला मैं कटिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे डीप देना है। तो यहाँ पे रुक के थोड़ा सा मैं आपको डीप दिखा दी हूँ और इस तरह से आपको पहले कटिंग करना है, करने से पहले ड्राइंग कर लेना है फ्रेंड। तो इस तरह से आप सूट की कटिंग कीजिए, बहुत परफेक्ट कटिंग आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फ्रंट पल्ला आपको कटिंग हो गई है, इसी के मेजरमेंट के हिसाब से बैक पल्ला को कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा बैक पल्ला का जो भाग है इसको डबल इस तरह से फोल्ड कर लेना है आपको और कपड़े को सीट लेना है हाथों से। सीट के जितना घेरा की ज़रूरत है बिल्कुल उतना ही आपको मिलाना है। तो मुझे ये 13 इंच पे घेरा चाहिए तो 13 इंच पे मैं फोल्ड करके बिछा के उसके बाद फ्रंट पल्ला को यहाँ पे सीट के बिछा ली हूँ लंबाई के से लेकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपको बिछा लेना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे से मुझे सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि बैक पल्ला में यहाँ पे बॉर्डर में काम नहीं है,
इसलिए अब इस निशान के ऊपर मुझे कट कर लेना है फ्रेंड। तो इस तरह से आपको भी कट कर लेना है, बढ़ा के ही कट करना है, सिर्फ बैक पल्ला में फ्रंट पल्ला से बढ़ाना है और साइड में जितना आपका मार्क दिया हुआ है बिल्कुल एक समान करके कटिंग कीजिए। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आर्म होल में थोड़ा बढ़ाना होता है, देख सकते हैं आर्म होल में मैं थोड़ा हाफ इंच आगे की तरफ बढ़ाई हूँ और ये शोल्डर थोड़ा सा तिरछा कट करना है। उसके बाद चेस्ट की यहाँ पे एक टक लगा देना है छोटा सा, उसके बाद कमर के पास लगा देना है छोटा सा कट लगा देना है, उसके बाद हिप के पास ये ज़रूर तीन कट लगा दीजिए जिससे एक समान आपका फिटिंग करने में आसानी हो जाए। तो ये बैक पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग हो गई है। उसके बाद मैं हाथ की कटिंग करूँगी यानी स्लीव की कटिंग करूँगी। तो ये लंबाई मुझे चाहिए 15 इंच पर, यहाँ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ और चौड़ाई 8.5 इंच रखी हूँ और ऊपर से मैं 3 इंच डाउन लूँगी आर्म होल की गोलाई के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से आपको आर्म होल की गोलाई ले लेना है फ्रेंड। उसके बाद मैं हाथ की गोलाई 5 चाहिए, तो 5 निशान देके 1.5 इंच आपको मार्जिंग भी ले लेना है। तो यहाँ पे 2 निशान मैं लगा रही हूँ सामने से। तो इस तरह से एक फिटिंग एक कटिंग का निशान लगाना है। तो ये स्लीव कटिंग बहुत आसान है, अगर आपको नहीं आता है तो मेरा वीडियो पे अपलोड है, आप देख सकते हो। तो मैं बहुत आसान तरीके से स्लीव कटिंग सिखाई हूँ फ्रेंड। तो ये स्लीव कटिंग हो गई है, 2 पल्ला में मैं 4 फोल्ड में रखी थी आपको ये बता दूँ। तो यहाँ पे सूट की कटिंग मैं कर दी हूँ। अगर ये वीडियो आपका काम का है, पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं इसकी नेक की कटिंग अभी नहीं की हूँ, स्टिचिंग के टाइम कर लूँगी फ्रेंड। तो इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया नहीं आया कमेंट जरूर कीजिए।